लोकतंत्र में सोशल इंजीनियरिंग की बड़ी अहमियत मानी जाती है। पिछले कुछ चुनावों में राजनीतिक पार्टियों ने लगातार सोशल इंजीनियरिंग में अपने समीकरण बिठाने की कोशिश करते हुए टिकट तय किए हैं और कई बार इसका असर भी दिखा। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग की यह इक्वेंशन विरोध के मामले में कुछ अलग ही रुख दिखा रही है। दरअसल बीजेपी की लिस्ट आने के बाद विरोध की सोशल इंजीनियरिंग की चर्चा हो रही है। कई जगह पार्टी कार्यकर्ता खुद इस पर चुटकी लेते दिखते हैं तो कई इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हैं। इस बीच सवाल ये आ रहा है कि क्या ये जातियां द्वारा विरोध है, क्या संगठन के लोग विरोध कर रहे हैं या फिर कुछ पूर्व विधायक और उनके समर्थकों तक ये विरोध प्रदर्शन सीमित है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद से ही कुछ जगहों पर विरोध दिख रहा है। जयपुर में पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर विरोध जताने कार्यकर्ता पहुंच गए तो विद्याधर नगर में खुद पूर्व मंत्री और विधायक ही कभी आगे और कभी पीछे गियर बदलते दिखे। इस बीच बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं में चर्चा अलग दिखी है। पार्टी कार्यालय के पास कार्यकर्ताओं की चर्चाओं में अलग बात आई। सवाल ये आया कि यह विरोध नेताओं द्वारा है या समाज द्वारा है या संगठन द्वारा है। एक कार्यकर्ता ने कहा कि यह विरोध आखिर किस बात का है। बात आई है क्या खुद का टिकट कटने का विरोध है, क्या सांसद को विधानसभा टिकट का विरोध है, क्या बड़े नामों का विरोध है, क्या गैर वसुंधरा राजे गुट का विरोध है या फिर खुद का टिकट कटने का विरोध है, क्या सांसद को विधानसभा टिकट का विरोध है, क्या बड़े नामों का विरोध है, क्या गैर वसुंधरा राजे के गुट का विरोध है। दरअसल विरोध हो रहा है इस बात। विरोध का एक रोचक पहलू ये भी है कि विरोध के मामले में वही दिख रहे हैं जहां किसी नेता का टिकट काटकर उसे जाति से जाने वाले नेता को ही टिकट दिया गया। ऐसे में फिर सवाल विरोध पर आया, क्या कहा गया कि क्या यह विरोध भी लोकतंत्र का संकेत है। जिस तरह लोकतंत्र को जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन कहा जाता है, क्या उसी तर्ज पर यह विरोध भी लोकतंत्रात्मक है। कहा गया है कि झोटवाड़ा और विद्याधर नगर में तो राजपूतों का राजपूतों के लिए राजपूतों द्वारा विरोध हुआ। इतना होते ही बात किशनगढ़ और फतेहपुर की भी आई जहां नेताओं को टिकट मिलने का विरोध पार्टी के जाट चेहरों द्वारा हो गया तो देवली, उनियारा, नगर तिजारा और सांचौर में हुए विरोध का भी जिक्र पार्टी कार्यकर्ताओं में हो रहा है। देवली और नगर में विजय बैंसला का विरोध राजेंद्र गुजर के समर्थकों ने किया तो तिजारा में बाबा बालकनाथ का विरोध मामन सिंह यादव और उनके समर्थकों ने किया। उधर तिजारा में जवाहर सिंह बेडम का विरोध पूर्व विधायक अनीता गुजर ने किया। राजनीति में समर्थन और विरोध कई बार साथ चलते हैं। हो सकता है कुछ समय बाद विरोध करने वाले लोग ही अपनी पार्टी और समाज के अधिकृत प्रत्याशी का साथ देते दिखे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जिन नेताओं में दम होगा वो विरोध करने की बजाय चुनाव मैदान में उतरने पर फोकस करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज।